भाई, बीइंग अ मैड्रिड फैन इन द लास्ट 2 इयर्स आसान नहीं रहा है. सीइंग आर बेस्ट प्लेयर्स गो इवन टू दिस टाइम इज भाई रामोस एंड वरान भी चले गए. तो इट्स नॉट बीन अ इजी राइड टू बी अ मैड्रिड फैन एंड इट्स गेटिंग टफर विथ एवरी गोइंग डे. इस सीजन सिर्फ हमने अलाबा को साइन किया. फर्स्ट गेम वॉज अ पॉजिटिव बट इन द लॉन्ग रन आई एम नॉट सो श्योर भाई क्या होगा. कैन अलाबा होल्ड इट एंड एवरीथिंग एल्स, बट देखते हैं. ठीक है, पर हम यहां पर डिस्कस करने हैं भाई रियल मैड्रिड की ट्रांसफर स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, एक न्यूज जो तुम सबको पता ही होगा, अभी तक मार्टिन ओडेगार्ड हैज डिसाइडेड टू लीव रियल मैड्रिड. उसका आर्सेनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है एंड ही इज गोइंग टू ज्वाइन आर्सेनल, कंफर्म्ड बाय फैब्रिजियो रोमानो. तो भाई वहां पर कोई डाउट नहीं रह गया, वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं बचा. ओडेगार्ड इज गोइंग टू ज्वाइन आर्सेनल, डेफिनेटली 100% श्योर हो चुका है ये चीज. उसके सिवाय भाई एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज ये आ रही है कि भाई किलियन एम्बापे इज नॉट गोइंग टू ज्वाइन रियल मैड्रिड दिस सीजन. अब ये एक शॉक है बिकॉज सिंस द स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसफर विंडो सुनने में आ रहा था दैट रियल मैड्रिड आर बिहाइंड किलियन एम्बापे एंड दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू साइन एम्बापे इस सीजन. पर भाई वी डोंट गेट एम्बापे, हम रिलायंट है सिर्फ 3 बंजों पे भाई, बेंजेमा, हजार्ड एंड बेल. बेल एंड हजार्ड इंजरी प्रोन है भाई, मुझे नहीं पता वेर वी आर गोइंग टू गेट आर गोल्स फ्रॉम. एंड ये एक बहुत बहुत बड़ा इशू क्रिएट करने वाला अटैकिंग वाइज. पर फिर भी जरा रुकते हैं, लेट्स होल्ड बैक एंड लुक एट इट व्हाट कुड बी इन दिस. तो पहले अगर मैं एम्बापे वाली चीज की बात करूं तो भाई एम्बापे का सुनने में ये आ रहा है दैट एम्बापे हैज टोल्ड हिज टीममेट्स दैट वो अपना कॉन्ट्रैक्ट सी ऑफ करेगा, मतलब खत्म करेगा विद पीएसजी टिल द एंड ऑफ दिस सीजन एंड नेक्स्ट सीजन ही इज गोइंग टू ज्वाइन मैड्रिड फॉर फ्री. अब सुनने में ये आ रहा है बट इफ यू नो, अगर वो फ्री में ज्वाइन करता है देर विल बी मोर प्लेयर्स, देर विल बी मोर टीम्स कमिंग इन थ्रू. एंड रियल मैड्रिड का एक और एम ये है कि भाई इफ नॉट एम्बापे देन हालैंड. इस सीजन इफ दे ट्राई टू साइन हालैंड हिल कॉस्ट इन द रीजन ऑफ 150, 160, 170 मिलियन, जो भाई बहुत बड़ा अमाउंट है फॉर अ प्लेयर. एंड आई एम नॉट श्योर मैड्रिड अफोर्ड कर सकती है नहीं कर सकती है. विद दैट सेड, मैड्रिड ने काफी काफी पैसा अर्न किया लास्ट कुछ ईयर्स में विद द सो कॉल्ड यूथ प्रोजेक्ट ऑफ बाइंग प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स फॉर चीप एंड सेलिंग देम फॉर प्रॉफिट्स. तो भाई इसी प्रोजेक्ट के अंडर आपके इसी प्रोजेक्ट के अंडर आपका ओडेगार्ड आता है या फिर हकीमी, इवन रेगुयॉन, ये सारे इस प्रोजेक्ट के अंडर है. विनीशियस भी, अब विनीशियस आई डोंट नो इफ विल गेन एनी प्रॉफिट्स ऑन हिम और नॉट, बट ये सारे प्लेयर्स इसी प्रोजेक्ट के अंडर है, इवन वरान. तो मैड्रिड हैव अ लॉट ऑफ मनी जो हमने गेन किया है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स थ्रू दिस प्रोजेक्ट. पर भाई जब हम देखते हैं कि एम्बापे के साथ क्या हो सकता है यहाँ पर सिचुएशन, तो बहुत ज्यादा लाइकली ये लग रहा है दैट एम्बापे विल जॉइन रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीजन, क्योंकि रिपोर्ट्स भी कुछ ऐसे बोल रही. फैब्रिजियो रोमानो ने भी उसी साइड पॉइंट किया है एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम एएस एंड मार्सा हैव पॉइंटेड द सेम थिंग कि भाई मैड्रिड विल कीप ऑन फॉलोइंग एम्बापे. इफ पॉसिबल दे विल साइन हिम इन दिस समर, दे आर विलिंग टू गो अप टू 150 मिलियन. बट पीएसजी की तरफ से न्यूज आ रही है कि भाई पीएसजी वुड रादर विन द चैंपियंस लीग देन गेट एम्बापे फॉर 150 मिलियन. पीएसजी को कोई इशू नहीं होगा टू लेट एम्बापे गो फॉर फ्री नेक्स्ट सीजन इफ ही डज नॉट एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट. तो भाई एक तरीके से दिस विल बी द बेस्ट पॉसिबल सिनारियो फॉर मैड्रिड. 150 मिलियन बच जाएंगे एंड वी कैन यूज दैट मनी टू गो फॉलो फॉर द वन एंड ओनली मैन जो एम्बापे के साथ रहा, तो इट्स फिनिश्ड, अर्लिंग हालैंड. तो भाई वो 150 मिलियन लेकर मैड्रिड एम्बापे और हालैंड को रीयूनाइट कर सकती है. रीयूनाइट क्या, यूनाइट कर सकती है एट स्टेडियो सैंटियागो बर्नाब्यू. तो ये काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट होगा. बट भाई एक नॉर्वेजियन से चलते हैं दूसरे नॉर्वेजियन की तरफ, मार्टिन ओडेगार्ड जो मैड्रिड छोड़कर जा रहा है. अब भाई इसके पीछे न्यूज ये आ रही है दैट रियल मैड्रिड एक्चुअली वांटेड टू सेल इस्को, बट इस्को के लिए कोई सॉलिड ऑफर्स नहीं आए. देन मैड्रिड हैड टू सेल समवन एंड दे हैड टू गेट द मनी. तो भाई मैड्रिड ने डिसाइड किया कि भाई ठीक है, इफ नॉट इसको ओडेगार्ड, क्योंकि ओडेगार्ड के पीछे आर्सेनल सिंस द टाइम ही वेंट फॉर लोन, वहां तब से ही उसके पीछे थी. सिंस जनवरी दे वर फॉलोइंग ओडेगार्ड एंड फाइनली अब जाकर दे हैव अग्रीड अ डील इन द रीजन ऑफ 35 मिलियन पाउंड, मतलब अराउंड 40 मिलियन यूरोस के आसपास की डील अग्री की है मैड्रिड ने विद आर्सेनल, जो एक काफी अच्छी डील है इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट. बट विद दैट सेड, आई एम नॉट श्योर कि कितना ज्यादा अच्छा होगा इन द लॉन्ग रन फॉर एज अ मैड्रिडिस्ता. यहां पर भाई एक ऐसा प्लेयर था भाई हु वी वांटेड फॉर द लॉन्ग टर्म, हम चाहते थे कि ये लॉन्ग टर्म हमारी टीम में रहे. ही वाज सपोज्ड टू बी द रिप्लेसमेंट फॉर मॉड्रिच एंड और क्रूज. तो भाई वेरी सैड न्यूज टू इन दैट वे, बट ठीक है, वी स्टिल हैव वेलवाडे. आई एम नॉट श्योर शबायोस का क्या होगा, विल ही कीप प्लेइंग, विल ही बी सेंट आउट टू लोन. तो भाई वो क्लियर नहीं समझ में आ रहा अभी तक. बट वी हैव वेलवाडे, वील हैव शबायोस इन द स्क्वाड, इसको है इन द स्क्वाड, तो आई डोंट थिंक देर विल बी इशू रिगार्डिंग दैट.
विद दैट सेड भाई थोड़ी सी और ट्रांसफर न्यूज ये आ रही है कि भाई रियल मैड्रिड विल नॉट साइन एनी सेंटर बैक इन दिस ट्रांसफर विंडो। तो भाई कोई और सेंटर बैक मत एक्सपेक्ट करो, यही चार बंदे मोस्ट प्रोबली हमारे सेंटर बैक्स रहने वाले, दैट इज नाचो, हिजूस वालेहो, डेविड अलाबा एंड एदर मिलिताओ, यही हमारे चार फर्स्ट टीम सेंटर बैक्स रहेंगे। डोंट एक्सपेक्ट एनी अदर सेंटर बैक्स टू बी साइंड एनी टाइम सून। उसके सिवाय भाई लेफ्ट बैक राइट बैक डिफेंस में कोई और साइनिंग का एक्सपेक्टेशन नहीं लग रहा है, नाइदर इन मिडफील्ड। मिडफील्ड में एक और इंटरेस्टिंग ये चीज है कि भाई रियल मैड्रिड आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन ऑफ पॉल पॉगबा एंड कैमाविंगा, क्योंकि भाई दोनों अपने लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हैं। अगर पॉगबा या कैमाविंगा साइन नहीं करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो रियल मैड्रिड विल ट्राई टू साइन देम इन जनवरी फ्रॉम प्री ट्रांसफर। तो भाई बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे, दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है भाई, दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है। कैमाविंगा इज टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इन द फ्यूचर, एटलीस्ट उसका पोटेंशियल लग रहा है। तो भाई पॉगबा, कैमाविंगा, एम्बापे, ये तीनों एक ट्रांसफर विंडो में आ सकते हैं। अगर थोड़ा और पैसे लगा तो शायद हालैंड भी एक पॉसिबिलिटी है रियल मैड्रिड के लिए नेक्स्ट सीजन, पर इस सीजन के ट्रांसफर विंडो में भाई देयर इज नथिंग मच ब्राइट टू लुक फॉरवर्ड। एंड भाई विद दैट सेड, लुकिंग एट एवरीथिंग, जैसे कि बारसा इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, एथलेटिको हैव स्टार्टेड वेरी वेल, एंड पीएसजी की अनबिलीवेबल स्क्वाड, इट इज वेरी 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 टफ फॉर मैड्रिड टू एक्चुअली विन एनीथिंग दिस सीजन। आई मीन ला लीगा जीतने के चांसेस है, मे बी कोपा डेल रे, बट कोपा डेल रे में हमारा लक हमेशा खराब होता है। चैंपियंस लीग तो भाई ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है लुकिंग एट पीएसजी, सिटी, चेल्सी। तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट वी कैन होप फॉर द बेस्ट। एंड भाई हाँ, देखते हैं क्या होगा, बट इस सीजन कोई ऑप्टिमिज्म नहीं है। मैड्रिड आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मोर साइनिंग इन दिस विंडो। जनवरी में मे बी मैड्रिड विल ट्राई टू लुक फॉर अ फ्यू प्लेयर्स एंड गो फॉर प्री कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट्स, बट कोई भी फुल फ्लेज साइनिंग जनवरी में भी एक्सपेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही फेट होगा भाई मैड्रिडिस्टास। होप्स बहुत ज्यादा, उम्मीद मत रखो, बहुत ज्यादा होप्स मत रखो, क्योंकि उम्मीदें टूटेगी भाई। विद दैट सेड यार, व्हाट कैन आई से, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के बारे में? डू यू थिंक मैड्रिड शुड साइन समवन? तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए मैड्रिड को? Is Mbappe the final solution that we need? Yeah, fir who would be the final solution tumhare hisab se? Do let me know down in the comments. What do you think about the news jo abhi recently aa rahi hai ki bhai Marco Asensio ke piche bhi Arsenal padi hai and they are willing to pay 30 million for Marco Asensio. Kya tum log Marco Asensio ko jaane doge ya nahi jaane doge? Let me know down in the comments bhai. With that said, agar tumne channel ko subscribe nahi kiya then do subscribe. विल कवर रियल मैड्रिड, विल कवर बार्सिलोना। अभी बार्सिलोना का प्रीव्यू आने वाला है कल परसों तक, बार्सिलोना के नेक्स्ट गेम का। हम रियल मैड्रिड के नेक्स्ट गेम का भी प्रीव्यू करेंगे। वी आर गोइंग टू कवर पीएसजी एज वेल फ्रॉम नाउ ऑन, क्योंकि भाई मेसी चला गया, रामोस चला गया, तो व्हाई नॉट। विद दैट सेड, चलो फिनिश करते हैं, सब्सक्राइब कर लेना, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, दिस इज एफकेआर साइनिंग आउट। बाय बाय।